हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीजा गाइड। वीजा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, पहली बार जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। इस चैनल पर मैं जॉब इमिग्रेशन वीजा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूं। साथ में जो बेल का बटन है उसको आप दबा दीजिए, जो कि मैं कोई भी वीडियो चैनल पर डालूं सीधे आप तक पहुंचे और आप उसको देखें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करता हूं आपसे एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां आप बिना वीजा के जा सकते हैं और 90 डेज वहां स्टे कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं। कई सारे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो पाकिस्तान बांग्लादेश के हैं, वहाँ पर रहते हैं और मुझे मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और कमेंट करते हैं। कई सारे क्वेश्चन मुझसे क्वेरी करते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा गाइड करिए, बताइए। तो मैं आज उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो आप लोगों को भी स्पेशली देखना चाहिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के पास शेयर करिए। दूसरे लोगों को भी मालूम चले, उनको भी मालूम हो जॉब इमिग्रेशन वीज़ा के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस कंट्री के बारे में बात करना चाहता हूं, तो आप किसी भी कंट्री के हो, चाहे आप पाकिस्तान के हो, चाहे आप बांग्लादेश के हो या इंडिया के हो, तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना वीज़ा के वहाँ स्टे कर सकते हैं और वहाँ आप घूम सकते हैं या फिर जॉब वगैरह वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं और अपने हिसाब से वहाँ अगर आपको बिजनेस करना है तो आप वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। बाकी मैं एक वीडियो और बनाऊँगा इस सीरीज़ की और थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं खींचूँगा, बस इतना टाइम लगेगा 10 मिनट। 10 मिनट में आपको सबको समझा दूँगा एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग मुझे फ़ोन करोगे कि ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, मैसेज करोगे तो सही नहीं रहेगा। तो आप पूरी वीडियो देखिए। थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कि आप लोग समझ जाओ अच्छे से, बाकी मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ अरेबियन कंट्री है जिसका नाम है त्रिनिदाद टोबैगो। और त्रिनिदाद टोबैगो के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा विस्तार में। तो त्रिनिदाद टोबैगो की बात करता हूँ। त्रिनिदाद टोबैगो जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी हैं, काफ़ी अच्छा सैलरी है। और इस कंट्री के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। ये कंट्री जो है यहाँ पे 40% के आसपास इंडियंस रहते हैं, 40% पॉपुलेशन इंडियंस की है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम बहुत से लोगों को इंडिया से अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग लेके गए थे वहाँ पे काम कराने के लिए त्रिनिदाद टोबैगो में। तो बहुत से लोग वहाँ पे रह गए थे, वापस इंडिया नहीं आए, तो इसलिए वहाँ पे इंडियंस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इंडियंस की पॉपुलेशन है। और वहाँ पे जो इंडियंस काम करते हैं वो अच्छा जॉब करते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट से लेके आपका प्राइम मिनिस्टर तक इंडियंस बना है, अभी भी है। तो इंडियंस के लिए काफ़ी बेटर है और वहाँ पर जाना, वहाँ पर घूमना, वहाँ पर रहना। और मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा कि आप वहाँ घूमने जा सकते हो, रहने जा सकते हो, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और आप वहां काम भी कर सकते हो। काम करने के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए, मैं उसका प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आपको वहां त्रिनिदाद टोबैगो के इमिग्रेशन के बारे में बताता हूं, वीजा के बारे में बताता हूं और बाकी चीज़ों के बारे में बताता हूं। तो इस वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि त्रिनिदाद टोबैगो कैसे जाएं। तो अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो या पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हो या बांग्लादेशी पासपोर्ट होल्डर हो, तो आपको त्रिनिदाद टोबैगो जाने का कोई वीज़ा नहीं लगेगा। वीज़ा आपका फ्री है, वीज़ा फ्री कॉस्ट है। आप त्रिनिदाद टोबैगो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचोगे तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। बशर्ते प्रॉब्लम क्या होता है कि आप त्रिनिदाद टोबैगो तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है, लेकिन इंडिया से आप त्रिनिदाद टोबैगो जाने में आपको काफ़ी दिक्कत है। और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान से फ़्लाइट भी नहीं होगा त्रिनिदाद टोबैगो के लिए। इंडिया से फ़्लाइट है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ का टिकट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप त्रिनिदाद टोबैगो का टिकट लेते हो तो अराउंड आपको 1.5 लाख से 1 लाख रुपए आपका खर्चा आता है टिकट का। उसके बाद फिर आपका ट्रांसिट होगा, तो ट्रांसिट में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से जा रहे हो। कुछ कंट्री हैं जो हमें ट्रांसिट वीज़ा फ्री देते हैं और बाकी कुछ कंट्री में आपको ट्रांसिट वीज़ा लेना पड़ेगा। तो अगर कनाडा होकर जा रहे हो तो आपको ट्रांसिट वीज़ा चाहिए, अगर आप US होकर जा रहे हो तो आपको ट्रांसिट वीज़ा पड़ेगा, अगर आप फ्रांस या नीदरलैंड होकर जा रहे हो तो आपको ट्रांसिट वीज़ा नहीं पड़ेगा। तो आप जब त्रिनिदाद टोबैगो जा रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस कंट्री से आप होकर जा रहे हो, क्योंकि अगर आपको ट्रांसिट वीज़ा अगर आपका लगेगा तो आपको उस कंट्री का ट्रांसिट वीज़ा निकालना पड़ेगा। और त्रिनिदाद टोबैगो में अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे एक बेटर सैलरी है। मान के चलिए कि आपको एक लाख से 1 लाख 20 हज़ार रुपये मंथली आपको वहाँ पे इनकम आपका होगा। एक लाख से 1 लाख 20 हज़ार तक आप वहाँ पैसा कमा सकते हो।
त्रिनिदाद टोबैगो की करेंसी की बात करता हूँ तो त्रिनिदाद टोबैगो की करेंसी त्रिनिदाद टोबैगो डॉलर चलता है। उस डॉलर की कीमत इंडिया में अगर आप वहाँ का एक रुपया एक डॉलर यहाँ लेके आते हो तो उसका 10 रुपये आपको मिलेगा। तो ये है त्रिनिदाद टोबैगो का डॉलर। लेकिन वहाँ पर जो सैलरी है वो सैलरी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी है। आप वहाँ पे जाके जॉब सर्च भी कर सकते हो। कई काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। अगर आप हिंदी बोलते हो तो आपको काफ़ी अच्छा है क्योंकि त्रिनिदाद टोबैगो में 40% के आसपास 42% के आसपास इंडियंस रहते हैं वहाँ पर जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम गए हैं। कुछ इंडियंस बाद में गए हैं जो बिजनेस वहाँ पे करते हैं। तो एक अच्छी खासी तादाद इंडियन की वहाँ पे है। तो अगर आप वहाँ पे हिंदी बोलते हो तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे अधिकतर लोगों को हिंदी मालूम है। 50-60% लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी पता है तो हिंदी वहाँ एक कॉमन लैंग्वेज है तो आप यूज कर सकते हो। वहाँ पे बातचीत में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ वहाँ पे इंग्लिश भी लोग बोलते हैं। इंग्लिश भी वहाँ पे अच्छे से लोगों को मालूम है और इंग्लिश अगर आपको आता है तो सो बेटर है क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का कोई मसला ही नहीं है। हम बहुत सारे देशों में चले जाते हैं काम करने के लिए। हम पोलैंड चले गए तो हमको पोलिश नहीं आती है। हम जर्मन चले गए, हमें जर्मन नहीं आती है तो वहाँ हमें काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है। हम जापान चले जाते हैं तो हमें जापानीज़ नहीं आती है तो वहाँ पर हमें जॉब ढूंढने में जॉब सर्च करने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो अधिकतर तो इंडिया में लोग हिंदी बोलते हैं और बाकी जो रीजनल लैंग्वेज हैं तमिल हैं तेलुगू हैं उड़िया हैं तो उनको अच्छे से जर्मन या फिर फ्रेंच या फिर पोलिश नहीं आती है तो उन्हें उन कंट्रियों में जापान में जापानीज नहीं आती है तो काम करने में दिक्कत होती है और जॉब सर्च करने में भी दिक्कत होती है। तो अब बात करते हैं कि त्रिनिदाद टोबैगो को वीज़ा ऑन अराइवल कैसे लें तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, त्रिनिदाद टोबैगो का वीज़ा ऑन अराइवल आपको एयरपोर्ट पर मिल जाएगा और एयरपोर्ट पर तो आप वहाँ का इमिग्रेशन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा। अगर आप त्रिनिदाद टोबैगो जा रहे हो तो आपको होटल की कन्फर्म बुकिंग आपको देनी पड़ेगी और एक चीज़ मैं आपसे बता दे रहा हूँ, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप त्रिनिदाद टोबैगो बिल्कुल मत जाइएगा वरना आप वहाँ से डिपोर्ट हो जाएंगे क्योंकि जो इमिग्रेशन वाले हैं वो एक चीज़ ज़रूर सोचेंगे कि ये बंदा सीधे त्रिनिदाद टोबैगो ही क्यों आ रहा है। आप टूरिस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं लेकिन आपको दिक्कत वहाँ हो सकती है। तो अगर आप त्रिनिदाद टोबैगो फ्रेश पासपोर्ट पर जा रहे हैं तो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको घूमना है तो आप और भी बहुत सारी कंट्री हैं, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, थाईलैंड है, मलेशिया है तो वहाँ पर भी आप घूमने क्यों नहीं जा रहे हो। तो अगर आपको या फिर आप हनीमून के लिए जा रहे हो या फिर आपको कोई और मतलब ऐसा कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए जिसके लिए आप वहाँ पर जा रहे हो तब तो आप वहाँ डिपोर्ट नहीं होगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही अकेले जा रहे हो या फिर आप किसी और कंट्री में नहीं घूमे हो, अगर आप 10-15 कंट्री में अगर आप घूम चुके हो तब तो आप त्रिनिदाद टोबैगो जा रहे हो तो आपको इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे वो पूछेंगे, आपको कुछ पूछेंगे भी नहीं, उनको लगेगा कि हाँ ये जो टूरिस्ट आ रहा है ये जेन्युइन है, ये इतनी सारी कंट्री घूम चुका है, सब त्रिनिदाद टोबैगो घूमने का माने तो घूमने के लिए आया है तो यहाँ पे वो घूम सकता है। तो इस तरीके से आप त्रिनिदाद टोबैगो में जा सकते हैं। तो आपके पास राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए और 3 मंथ का स्टे पीरियड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जा रहे हो तो 3 महीना का टिकट आप कटवा के लेके जाओ। आप वहाँ जो रुकोगे वो तो रुकने का आपको 10-15 दिन ही आपको दिखाना पड़ेगा। 3 मंथ अगर आप दिखा दोगे तो आप डिपोर्ट हो जाओगे। और आपके पास ये तो स्पॉन्सर लेटर वहाँ पे किसी का हो, कोई आपको स्पॉन्सर करे तो आप वहाँ रुक सकते हो। तो आप दिखा सकते हो कि यहाँ 2 महीने मैं इनके पास रुक रहा हूँ या फिर ये मेरा एकोमोडेशन देखेंगे, मेरा खाना खर्चा हर चीज़ देखेंगे, ये चीज़ आप बता सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हो और तो आप 2 महीने दिखाओगे टिकट 2 महीने का दिखाओगे तो फिर आपको दिक्कत वहाँ हो सकता है, इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहता हूँ, किसी भी कंट्री में आप जाइए, किसी कंट्री में आप जाइए तो कम से कम 1,000 US डॉलर 2,000 US डॉलर अपने जेब में रख के जाइए। आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए, कन्फर्म होटल बुकिंग होना चाहिए। तो त्रिनिदाद टोबैगो काफ़ी ईजिली आप जा सकते हो और काफ़ी ईजिली वहाँ आप रह सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको वीज़ा टिप्स और भी ऐसे लेने हैं, आपको वीज़ा की इन्फॉर्मेशन और भी आपको ऐसा लेना है तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और मेरी जो अपकमिंग वीडियो रहेगी उसमें आपको बताऊँगा त्रिनिदाद टोबैगो के वर्क परमिट के बारे में और जापान के मतलब कई सारे कंट्री के वर्क परमिट के बारे में आपको बताऊँगा। और कुछ मेरी ट्रेवल ब्लॉग की सीरीज आने वाली है वो भी मैं इस चैनल पर डालूँगा। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि लाइक से सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो मेरी अपकमिंग वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर।